गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं अभिषेक गौरहा। हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स। आज हमारे लिए है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वे सभी समसामयिक की जो हमारे लिए जुलाई महीने के पहले हफ्ते में इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, उन्हें डील करते हैं। आइए, जो हमारा फॉर्मेट है हम उसी फॉर्मेट में ही अपना क्या करेंगे, आज के वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस हफ्ते में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें रही हैं, फिर देखेंगे ऐसे व्यक्ति चर्चित जो हमारे न्यूज में कंटिन्यूअसली बने हुए रहेंगे, फिर हम देखेंगे ऐसे कोई हमारे पास में स्थान है क्या जो हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है, उसके बाद में हम देखेंगे हमारे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण दिवस रिपोर्ट्स या फिर पुरस्कार सम्मान जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी होंगी, उसके बाद में हम देखेंगे फाइनली क्या विविध कोई ऐसे विविध तथ्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इम्पोर्टेंट दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते जो महत्वपूर्ण चीजें रही हैं वो। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण यहाँ पर इस हफ्ते हमारे लिए रहा है, तो इस हफ्ते जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है वो रहा है 2024 के जनरल इलेक्शंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए हैं, जिसमें द गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वॉज डिफीटेड इन अ लैंडस्लाइड बाय अपोजिशन लेबर पार्टी बाय कीर स्टार्मर, है ना। तो जो वर्तमान के या फिर बोला जाए पूर्व हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, वो बहुत ही बुरी तरीके से इसमें हार गई है, और कीर स्टार्मर द्वारा नेतृत्व की जो लेबर पार्टी है वह इसमें विजयी होकर के सबके सामने आ गई है, और कीर स्टार्मर बन गए हैं क्या ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर। द 2024 यूनाइटेड किंगडम जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड ऑन थर्सडे 4th जुलाई को, ये क्या हुआ है, ये चुनाव कराए गए हैं टू इलेक्ट 650 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कुल मिलाकर के 650 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए क्या किया गया है, ये चुनाव कराए गए हैं, जो कि फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो जिस प्रकार हमारे यहां भी क्या है अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट है हमारे बाइकैमरल लेजिस्लेचर में, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी है, क्योंकि हम जो वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसे ही हम अपने इंडिया में भी फॉलो करते हैं, तो वहां का जो अपर हाउस है उसे बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हमारे भारत में इसे हम बोलते हैं क्या राज्यसभा, जबकि जो लोअर हाउस है इसे वहां बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, और हमारे यहां बोला जाता है क्या लोकसभा, है ना। तो ये है क्या बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया। तो जो ब्रिटिश लोअर हाउस है यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें कुल मिलाकर के 650 सदस्यों का क्या हुआ है अभी निर्वाचन कराया गया है, जिसमें क्या है लेबर पार्टी को 411 सीट्स मिली हैं, कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीट्स मिली हैं, और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को कितना मिला है 72 सीट मिला है। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन है यहाँ पर मुख्यतः तीन पार्टियां क्या कर रही हैं, ऑपरेट करती हैं। एक है लेबर पार्टी जो कि अभी आपके कीर स्टार्मर के नेतृत्व वाली पार्टी है, दूसरा है आपका कंजर्वेटिव पार्टी जो इस बार हार गई है, जो ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के उसके नेतृत्व वाली पार्टी है, और एक और पार्टी है वो कौन सी है लिबरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। अपर हाउस को क्या बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, ये वही सारी आपकी इंफॉर्मेशन है। तो हाल ही में अच्छा तो ये हो गया आप लोगों का जो जनरल इलेक्शंस थे यूनाइटेड किंगडम, उसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अगला है हमारे पास में कोलंबो प्रोसेस। अब ये कोलंबो प्रोसेस क्या है क्यों न्यूज में है देखते हैं। सबसे पहले क्यों न्यूज में है, रिसेंटली इंडिया हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ रीजनल ग्रुप कोलंबो प्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2003। हाल ही में भारत
2003 में अपनी स्थापना के बाद से पहली बार क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बन गया है, यानी कि ये जो कोलंबो प्रोसेस है इसकी स्थापना सन 2003 में की गई थी और पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया को इसका क्या मिला है, प्रेसिडेंसी मिली है या फिर बोला जाए चेयरमैनशिप मिली है, है ना। पहली बार इसे क्या करने का मौका मिला है, अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। इंडिया वुड लीड द ग्रुपिंग फॉर पीरियड 2024 से लेकर के 2026 तक इस कोलंबो प्रोसेस का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया था 2024 में, कोलंबो प्रेस का मीटिंग ये कराया गया था आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये क्या है अब ये देखते हैं हम लोग। कोलंबो प्रोसेस या कोलंबो प्रक्रिया जो है ये 12 एशियाई सदस्य देशों से मिल करके बनता है और यह एक क्षेत्रीय क्या है, परामर्श मंच के रूप में कार्यरत है, है ना। इसका उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों के लिए विदेशी रोजगार से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है जो प्रवासी श्रमिकों को विदेश भेजते हैं, है ना। सो कोलंबो प्रोसेस कंप्राइजेस 12 एशियन मेंबर स्टेट्स, 12 क्या है यहाँ पर एशियन मेंबर स्टेट्स हैं, एंड सर्व्स एज अ रीजनल कंसल्टेटिव फोरम, क्षेत्रीय परामर्श आपका क्या मंच के रूप में काम करता है। इट एम्स टू प्रमोट द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट फॉर कंट्रीज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया दैट सेंड माइग्रेंट वर्कर्स अब्रॉड, है ना। तो जो भी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी आपके क्या हैं एशियाई देश हैं जहां से बहुत ज्यादा प्रवास हमें देखने मिलता है मजदूरों का, उन सभी मजदूरों के हित के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने का क्या करता है, ये अपना विचार को साझा करता है पूरे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे। और ये मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी हैं इसके क्या मेंबर कंट्रीज। अगला देखते हैं, हमारे पास कुछ चर्चित व्यक्ति हैं जो न्यूज में कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। पहले हैं आपके पास में कौन, राजेंद्र खन्ना। और ये राजेंद्र खन्ना क्यों हमारे न्यूज में बने हुए हैं, ये उड़ीसा कैडर के एक क्या है आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और पूर्व रॉ प्रमुख रहे हैं, भारत की जो इंटेलिजेंस सर्विस है रॉ उसके क्या रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। कौन, राजेंद्र खन्ना। और वर्तमान में इन्हें क्या बना दिया गया है, भारत का नया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर डिप्टी NSA के रूप में इन्हें क्या कर लिया गया है, नियुक्त कर लिया गया है। इसके बाद में हमारे दूसरे नंबर पर आ जाएंगे कौन, विक्रम मिस्त्री। देखिए ये जो विक्रम मिस्त्री है ये पहले हमारे क्या रहे थे, डिप्टी NSA रहे थे और इन्हीं को विक्रम मिस्त्री को क्या कर दिया गया है, विदेश सचिव के रूप में, फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में इन्हें अपॉइंट कर दिया गया। तो जो डिप्टी NSA का पद था वो खाली हो गया, तो इस किसे बना दिया गया है, वो बना दिया गया है राजेंद्र खन्ना को। तो ये दोनों ही व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो विक्रम मिस्त्री को हाल ही में क्या बनाया गया है, विदेश सचिव बनाया गया है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। पहले ये क्या थे आपके, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया थे, इनके फॉरेन सेक्रेटरी बनने के बाद में जो पोस्ट खाली हुई उसमें क्या बना दिया गया, राजेंद्र खन्ना को क्या बना दिया गया है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है या फिर तीसरे व्यक्ति जो हमारे लिए चर्चा में रहे हैं वो है बोधना शिवनंदा। ये 9 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश चेस प्लेयर बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट इंग्लैंड इन एन इंटरनेशनल इवेंट। मतलब ये 9 साल की एक बालिका है और इनका नाम है क्या, बोधना शिवनंदा। और इन्होंने क्या किया है, ये इंग्लैंड को किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में रिप्रेजेंट करने वाली सबसे छोटी उम्र की क्या बन गई है, बालिका बन गई है। और ये इंडियन ओरिजिन की क्या है, ब्रिटिश
चेस प्लेयर हैं। तो आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोधना शिवनंदा किस खेल से संबंधित हैं या फिर किस कारण से हाल ही में चर्चा में बनी हुई हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सबसे कम उम्र की ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने इंग्लैंड को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसके बाद में जो चौथे हमारे पास में व्यक्ति हो जाएंगे ये हैं आपके हार्दिक पांड्या, और ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हार्दिक पांड्या हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर टू रीच द एपेक्स रैंक ऑफ आईसीसी T20 ऑलराउंडर्स लिस्ट, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ना, इसके शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले कौन सी कैटेगरी में, T20 ऑलराउंडर्स लिस्ट के शीर्ष में पहुंचने वाले, मतलब फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेट बन गए, क्रिकेटर बन गए हैं कौन, हार्दिक पांड्या। और उन्होंने ये जो शीर्ष स्थान है वो ये साझा करते हैं श्रीलंका के कैप्टन वनिंदु हसरंगा के साथ में, मतलब फर्स्ट पोजीशन में अभी दो लोग हैं, एक हैं आपके हार्दिक पांड्या और दूसरे हैं कौन, वनिंदु हसरंगा। तो यहां पर आप लोगों के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट हार्दिक पांड्या, है ना। तो वो फर्स्ट आ गए हैं किसमें, आईसीसी की T20 ऑलराउंडर्स की लिस्ट में, और इन्होंने क्या किया है, श्रीलंकन कैप्टन वनिंदु हसरंगा के साथ में ये पोस्ट क्या करते हैं, शेयर करते हैं या उनकी बराबरी करते हैं। अगली जो हमारे पास में व्यक्ति हैं ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली बार हमारे देश में हमें राजनीति और स्पोर्ट्स यानी कि खेल का एक समागम देखने को मिलता है, किसके रूप में, श्रेयसी सिंह के रूप में, दिग्विजय सिंह की पुत्री के रूप में हमें क्या मिलता है, भारतीय राजनीति और भारतीय खेल का एक क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पर हम लोगों को समागम देखने को मिल रहा है ना। तो 33-year-old MLA member of legislative assembly from Bihar's Jamui, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 33-year-old MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधायक हैं ये, कहां से, बिहार जमुई, बिकेम द फर्स्ट MLA ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट नेशन इन ओलंपिक्स। श्रेयसी सिंह पहली भारतीय विधायक बन गई हैं जो भारत को ओलंपिक में क्या करने वाली हैं, रिप्रेजेंट करने वाली हैं, है ना। और ये किस खेल में करने वाली है, ये करने वाली है शूटिंग में, शूटिंग में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्रेयसी सिंह के बारे में कौन कौन से तथ्य सत्य हैं। ये एक 33 वर्षीय विधायक हैं जो बिहार के जामुई विधानसभा से क्या हुई हैं, चुन करके बिहार की विधानसभा में पहुंची हैं। ये दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं, साथ में पहली भारतीय विधायक बन गई हैं जो ओलंपिक में भारत का क्या करने वाली हैं, नेतृत्व करने वाली है, रिप्रेजेंट करने वाली है, किस खेल में, तो शूटिंग के खेल में ये क्या करने वाली है, हम सभी को रिप्रेजेंट करने वाली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग ये सभी का, बोधना शिवनंदा, हार्दिक पांड्या, श्रेयसी सिंह। अब देखते हैं कुछ हमारे पास में क्या है, महत्वपूर्ण दिवस हैं, रिपोर्ट्स हैं, अवार्ड्स हैं या फिर ऑनर्स, इनमें से कोई हमारे पास में है क्या, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, इनमें से कुछ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। हाल ही में देश की सुप्रीम कमांडर यानी कि तीनों आपका जो मिलिट्री फोर्सेस के विंग्स हैं उनकी सुप्रीम कमांडर हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं, यानी कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किया गया है फॉर एक्सीलेंट ब्रेवरी, है ना।
दस कीर्ति चक्र, 10 कीर्ति चक्र एंड 25 शौर्य चक्रास हैव बीन अकॉर्डेड टू पीपल फॉर वेलर करेजियस एक्शन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। कब किया गया है? 6 जुलाई 2024 को। किस ओकेशन पर? डिफेंस इन्वेस्टिट्यूशर सेरेमनी में किया गया है ना, रक्षा अलंकरण समारोह हुआ था, जिसमें क्या किया है, महामहिम राष्ट्रपति ने 10 कीर्ति चक्र और 25 शौर्य चक्र, माफ कीजिएगा ये 26 हो जाएगा, 26 शौर्य चक्र, कुल मिलाकर के 36 चक्र दिए गए हैं, जो कि वीरता, साहसी कार्य और आत्म बलिदान के क्षेत्र में लोगों को दिए जाते हैं, है ना। कहां पर दिया गया है? राष्ट्रपति भवन में दिया गया है। कब दिया गया? ये दिया गया आप लोगों को 6 जुलाई 2024 में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब ये जो कीर्ति चक्र है, इसका गठन किया गया था कब? 1952 में, इन 1952। द कीर्ति चक्र, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हील ऑफ ग्लोरी, इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर वेलर करेजियस एक्शन और सेल्फ सर्विस अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल। इट मे बी अवार्डेड टू सिविलियंस एज वेल एज मिलिट्री पर्सनल्स, इंक्लूडिंग पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड्स, मतलब मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। इट इज पीस टाइम इक्विवेलेंट टू महावीर चक्र। इट इज सेकेंड इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, कम्स आफ्टर अशोक चक्र एंड बिफोर शौर्य चक्र। बिफोर 1967 द अवार्ड वॉज नोन एज अशोक चक्र क्लास 2। तो देखिए, ये जो पूरा आपका जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं, मिलिट्री अवार्ड्स हैं, सम्मान हैं, इन्हें हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक युद्ध के समय या फिर वॉर टाइम अवार्ड्स और एक पीस टाइम अवार्ड्स। यानी कि जब हमारा देश किसी बाहरी आक्रामकता से जूझ रहा है या युद्ध कर रहा है, उस समय जो अत्यधिक साहस का काम करेंगे, सेल्फ सेक्रीफाइस का, जो हमारे सेना के लोग हैं वो जब अपना क्या करेंगे, बलिदान देंगे या फिर अत्यधिक वीरता का, शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, तब उन्हें दिया जाएगा क्या, वॉर टाइम वाले अवार्ड्स। और ये किस प्रकार से होते हैं? सबसे पहला होता है, टॉप में होता है कौन सा? परम वीर चक्र। परम वीर चक्र। उसी प्रकार जब देश किसी वॉर में नहीं जूझ रहा है लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंसेस से जूझ रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई विदेशी दुश्मन नहीं है बल्कि भारत में रहने वाले, हमारे ही देश का खाने वाले जो लोग हमारे दुश्मन हैं, उनसे लड़ते हुए जब हमारे देश के सैनिक क्या हो जाते हैं, या तो वीरता का एक परिचय देते हैं या सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं, उस टाइम पर यहां पर दिया जाता है क्या, अशोक चक्र। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, सबसे शीर्षस्थ जो मिलिट्री अवार्ड्स है वो है वॉर टाइम पे, युद्ध के समय पे जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया होता है, उन्हें दिया जाता है क्या, आपका परम वीर चक्र। लेकिन जो पीस टाइम पे यानी कि शांति के समय में होता है, वो कौन सा दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है। जो सेकंड नंबर का होता है वो है आपका क्या, वो है आपका महावीर चक्र। और वहीं पर ये आपका आ जाएगा पीस टाइम में, इसी के बराबरी कौन कर लेगा, आपका कीर्ति चक्र। और तीसरे नंबर पर यहां पर आ जाएगा आपका वीर चक्र, जो कि युद्ध के समय में मिला जाएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका शौर्य चक्र, जो शांति के समय पर अद्भुत
कार्य करने पर क्या मिलेगा, आप लोगों को दिया जाएगा, है ना। तो ये आपका मेनली हम दो कैटेगरीज में किसको डिवाइड कर सकते हैं, मिलिट्री के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, ब्रेवरी के अवार्ड्स दिए जाते हैं। हाल ही में जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया है, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र का 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र क्या किए हैं, प्रदान किए हैं, है ना। ठीक है, 1967 से पहले तक ये जो आपका कीर्ति चक्र है इसे ही अशोक चक्र क्लास 2 बोला जाता था, और जो आपका शौर्य चक्र है इसे अशोक चक्र क्लास 3 के नाम से जाना जाता था। बाद में इनका क्या कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। ठीक है, यही वो इंफॉर्मेशन हिंदी में है आप लोगों के लिए। 1967 से पहले इस पुरस्कार को अशोक चक्र क्लास 2 के नाम से जाना जाता था। किसके बारे में बोल रहा है ये कीर्ति चक्र के बारे में बोल रहा है, कृति चक्र के बारे में। तो 10 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, जिसमें से 7 लोगों को दिया गया है ये क्या, मरणोपरांत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए कि कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है इस साल और कितने लोगों को उसमें से मरणोपरांत दिया गया है। उसी प्रकार जो शौर्य चक्र है ये आप लोगों को 26 हमारे सेना के या फिर पुलिस के और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के जवानों को दिया गया है, जिसमें से 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो कुल मिलाकर के मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है, 14 लोगों को पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है, है ना। इसके बाद में पीस टाइम के टाइम पे क्या होता है, वही अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र सबसे बड़ा होता है, अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र, और टाइम ऑफ वॉर या फिर एनिमी एग्रेशन के टाइम पे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और फिर वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ये है हमारे पास में वो लिस्ट जिन्हें क्या किया गया है, अभी कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं वे लोग जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित तो किया गया है, परंतु किया गया है कैसे, मरणोपरांत, है ना, मरणोपरांत यानी कि पोस्ट ह्यूमसली किया गया है। सबसे पहले हैं आपके इंस्पेक्टर जनरल दिलीप कुमार दास, है ना। दूसरे हैं आपके पास में हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, फिर तीसरे हैं आपके पास में बाबूलाल राभा, फिर चौथे हैं आपके पास में शंभू रॉय, पांचवे हैं आपके पवन कुमार द ग्रेनेडियर्स 55 बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स, फिर छठवे हैं आपके पास में कैप्टन अंशुमन सिंह आर्मी मेडिकल कॉर्प्स 26 बटालियन द पंजाब रेजिमेंट के, ये क्या रहे हैं आपके कैप्टन रहे हैं अंशुमन सिंह, काफी भावनात्मक एक वीडियो इनकी पत्नी और इनकी माताजी का सामने आया, जो क्या करने गए थे इनके बिहाफ में इस कीर्ति चक्र को ससम्मान लेने पहुंचे थे, कहां, राष्ट्रपति भवन में। दुखद इंसिडेंसेस हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसके बाद में जो सातवें हैं ये हैं आपके हवलदार अब्दुल माजिद, और ये हैं 9th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के, है ना। फिर हम देखते हैं ये वो 7 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। अन्य जो 3 लोग हैं जिन्हें वर्तमान में कीर्ति चक्र मिला भी है और वे जीवित भी हैं, ये हैं आपके मेजर दिग्विजय सिंह, दूसरे हैं आपके मेजर दीपेंद्र विक्रम, और तीसरे हैं सूबेदार पवन कुमार यादव, नायब सूबेदार पवन कुमार यादव, है ना। तो कुल मिलाकर के 10 लोगों को क्या दे दिया गया है, शौर्य चक्र, माफ कीजिए, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। उसी प्रकार हमारे पास शौर्य चक्र कितने लोगों को दिया गया है, टोटल 26 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 7 लोगों को क्या है, मरणोपरांत दिया गया है। पहले हैं कौन, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सफीउल्ला कादरी पहले हैं, ये जम्मू कश्मीर से हैं, फिर
दूसरे हैं आपके व्यक्ति कौन? मुस्ताफ मुहारा, और इन्हें आर्मी एक्ट टू परफॉर्म टुगेदर के कैटेगरी में इन्हें क्या किया गया है, सम्मान दिया गया है, दो शौर्य सम्मान दिए गए हैं इन्हें। इसके बाद में तीसरे जो है हमारे ये हैं कौन? कुलभूषण मानता, है ना, आप लोग नाम देख लीजिएगा, हल्दर विवेक सिंह, हवलदार विवेक सिंह है, फिर राइफलमैन आलोक राव है, फिर कैप्टन आपके कौन है? प्रांजल हैं। इन सभी को क्या दिया गया है? शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया है। उसी प्रकार हमारे पास में अन्य हैं जिन्हें शौर्य चक्र दिया गया है नॉन पोस्टमसली। आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्या कर लेंगे, इनके नामों को एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये वो 36 हमारे पास में व्यक्तित्व थे जिन्हें क्या किया गया है, गैलेंट्री अवार्ड, स्पीच टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, हमारे पास में कोई ऐसा दिन है, द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है हाल ही में 3 जुलाई को, और ये प्रतिवर्ष 2009 से 3 जुलाई को ही क्या किया जाता है, मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम इट वॉज सेलिब्रेटेड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अ बैग फ्री वर्ल्ड। अ बैग फ्री वर्ल्ड नामक एक क्या है, गैर सरकारी संस्थान है जिसके द्वारा पहली बार 2009 में इसे मनाया गया था। एम्स टू डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स फॉर यूज एंड थ्रो पर्पसेस, बी इट फूड पैकेजिंग और बाइंग ग्रोसरीज, मतलब चाहे आप खाद्यान्न खरीदने के लिए हो, चाहे कुछ अन्य ग्रोसरीज खरीदने के लिए हो, जो फ्री आपका जो यूज एंड थ्रो वाले प्लास्टिक होते हैं उनको बैन करने के लिए या उनके उपयोग को कम करने के लिए ये दिवस जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार विश्व खेल प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को प्रतिवर्ष। कब से मनाया जाता है? 1999 से मनाया जाता है बाय वर्ल्ड स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। इस बार हमारे लिए स्पोर्ट्स का कोई खास हमारे पास में क्या नहीं है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, विविध हमारे तथ्य में या फिर मिसलिनियस में। और सबसे पहला हमारे पास में विविध में है, दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी, यानी कि दुनिया की द मोस्ट एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक है हमारे पास में। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम नेदरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर अचीव्ड द माइलस्टोन बाय बिल्डिंग वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक विथ प्रिसीजन ऑफ 1 सेकेंड्स फॉर 3,000 करोड़ ईयर्स, मतलब 3,000 करोड़ साल तक का जब हम इसमें टाइम कैलकुलेट करेंगे तब जा करके इसमें 1 सेकेंड की क्या आएगी, प्लस माइनस का एरर आएगा। तो इतना एक्यूरेट ये क्या बनाया गया है, यहाँ पर आपका एटॉमिक क्लॉक बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? नेदरलैंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर नामक ये आपका क्या है, यूनिवर्सिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है जो हमारे एग्जाम उपयोगी है, इस घड़ी में कोल्ड स्ट्रॉन्शियम एटम्स का यूज किया गया है। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में बनाई गई दुनिया की सबसे एक्यूरेट या फिर सटीक जो परमाणु घड़ी है उसमें किस कंपाउंड का, किस एलिमेंट का यूज किया गया है, तब आप लोग बता सकते हैं कि उसमें स्ट्रॉन्शियम एटम्स का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए खत्म होता है जुलाई महीने के पहले हफ्ते में जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी हमारे एग्जाम उपयोगी रही है वो सभी। कल हम इनके ऊपर बेस करके आप सभी के लिए लाएंगे क्या,
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।